धार जिले के मांडू थाने के अंतर्गत पिछले दिनों छात्रा का हुआ था अंधा कत्ल। छात्रा का चेहरा पत्थर से कुचल दिया गया था जिससे उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। पुलिस ने निर्मम तरीके से नाबालिग छात्रा के किए गए अंधे कत्ल का खुलासा किया है। प्रेम संबंध की शंका में मृतका के पिता ईश्वर पटेल, चचेरे भाई उसके एक दोस्त ने रची थी साजिश। 7 फरवरी को चचेरे भाई मुकेश पटेल और उसका दोस्त पृथ्वीराज पटेल ने छात्रा रोशनी को पहले जहर पिलाया, फिर गला रेतकर पत्थर से सिर कुचल दिया था। तीनों आरोपी गिरफ्त में। नालछा थाने में 7 फरवरी को हुई थी घटना। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान, FM की रिपोर्ट। देखिए, 6-7 तारीख को एक बॉडी मिली थी थाना मांडव में। इसमें एक लड़की की बॉडी मिली थी जो करीब 11वीं-12वीं क्लास की लग रही थी और उस लड़की का गला काट के उसकी फेस जो है उसका फेस पे भी अटैक किया गया था। तो इस पूरी विवेचना में पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और इन्वेस्टिगेशन के बाद 3 लोग इसमें मुख्यतः सामने आए। उसमें लड़की का पिता ईश्वर, उस मुकेश पिता नंदराम और पृथ्वी पिता थावर। मुकेश और पृथ्वी वो 2 लड़के थे जो स्विफ्ट गाड़ी से अपने दोस्त से मांगी स्विफ्ट गाड़ी से उसको लेकर गए थे और पहले उसे जहर पिलाया, उसके बाद बेहोश होने के बाद उसका गला काट के उसकी हत्या कर दी। इस पूरे मामले में ये निकल के आया कि जो लड़की औरतें थी उसको कोई लड़का पसंद था जिसको लेके घर में विरोध था और उसके फादर और ये जो उसका अंकल मुकेश है इन लोगों ने मिलकर प्लान बनाया कि हम इसकी हत्या कर देते हैं ताकि कोई इशू क्रिएट नहीं हो। इस चीज़ को लेकर इन्होंने पूरी प्लानिंग की और प्लानिंग करने के बाद ये लड़की की हत्या। सर, आरोपी इसमें 3 आरोपी हैं, लड़की का पिता और मुकेश और पृथ्वीराज, जो तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। देखिए, शुरुआत में तो पुलिस ये सोच रही थी कि कोई बाहर दूसरे जिले का की बॉडी हो सकती है, परंतु उसमें लगातार वर्क किया गया। रेडियो की बदनावर, रेडियो की धामनौर, यह कानून की उनकी टीम ने इसका अच्छा काम किया। फिर धामनौर की टीम ने एक गाड़ी आइडेंटिफाई की, टोल टैक्स से जो निकली थी उसको पुलिस ने वर्क करते हुए वीडियो फुटेज के आधार पर इन लोगों को चिन्हित किया। पहले गाड़ी मालिकों को चिन्हित किया, उसके बाद जो लड़के गाड़ी लेके गए थे उन्हें आइडेंटिफाई किया और तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।